आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बताए न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। बहुत धन्यवाद आप जो आज हमारी बहन जी का ये सब कुछ दिखाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक चुनाव प्रचार, क्या नाम है, जनता का समर्थन, जब से गली गली घर घर ये सब लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और बहुत खुशी की लहर है समाज में, बहुत खुशी की लहर है। और ये सच है कि जो बहन जी का शासन था और अब वाले शासन में बहुत फर्क है। आज कोई गरीब मजलूम अपनी शिकायत लेकर जब थाने में जाता है तो सुनवाई नहीं होती, और बहन जी का शासन वो शासन था जब कोई गरीब मजलूम वहाँ जाता था तो दरोगा उसके थाने के बाहर आता था, उसकी बात को सुनता था। और ये सत्य है, कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा, कौन है जो वक्त की चक्की को रोक पाएगा, और वक्त के साथ में ढलने वाला बढ़ता जाएगा। आज सारा समाज और सारा शहर, सारे गांव आज के साथ में ढल चुका है, और उन्होंने सोच लिया है कि एक एक वोट आज ही अयूब को समर्थन देकर के पांचवी बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का आज समाज में खाना है। माहौल सभी के सामने है और माहौल दिख रहा है, सारा माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, और बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं हाजी अयूब इंद्रेसी, वो सभी के समर्थन से, चाहे वो सर्व समाज के समर्थन से और पूर्ण बहुमत से बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। किससे मुकाबला मानते हैं आप? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सबका मुकाबला हमसे है। हम फर्स्ट नंबर पे हैं और सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं, और हाथी वाला जो अयूब इंद्रेसी जी हैं वो जीत रहे हैं फर्स्ट नंबर। यानी उनके पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है? उनके पक्ष में सर्व समाज का माहौल है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे जाट समाज हो, और ओबीसी समाज में चाहे वो सैन समाज हो, चाहे पाल समाज हो, सर्व समाज का साथ हाजी इंद्रेसी जी के साथ है और वो फर्स्ट नंबर पर जीत रहे हैं। मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने यहाँ क्या क्या विकास कार्य कराए? मौजूदा विधायक के लिए तो हम यही कह सकते हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया, जबकि हमने देखा है शमशान में किस तरह की दलाली खाई गई थी, उसमें भी आज तक वो मुआवजा नहीं दिला पाए। चाहे आप यहाँ की रोडों की हालत को देख लीजिए, या फिर आप पानी की या फिर बिजली पानी की जो सुविधाएँ हैं उनको देख लीजिए, तो किसी भी तरह का काम नहीं कराया। और मैं 26 जनवरी के लिए, आज खास दिवस है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस जब लागू हुआ तो हमें गणतंत्र बने संविधान के लागू होने के बाद, तो गणतंत्र एक ऐसी चीज़ है 1947 से पहले जब वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ियाँ या वन वंशवाद के नाम पर या फिर जाति के नाम पर जिनकी सत्ता चली आ रही थी, वही राजा के पेट से राजा के बेटे का ही। एक इनके पीछे ही बोलो आप, बोलना जाना, आप बोलो ये नहीं बोल पाए, भूलना जाना, भूलना जाना हर इंसान, नीला झंडा, भूलना जाना हर इंसान, नीला झंडा, भूलना जाना हर इंसान, नीला झंडा, चलो भूल न जाना हर इंसान, नीला झंडा हर इंसान, भूल न जाना हर इंसान, नीला झंडा हर इंसान, भूल न जाना हर इंसान, नीला झंडा हर इंसान, भूल में प्रदेश में पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप गांव गांव गली गली जाकर घूम के सर्वे कर रहे हैं, और ये बात सही भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जैसा मैं आपको अवगत करा दूं, मुरादनगर विधानसभा से मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यहां फाइट में कोई भी नहीं है। माननीय बहन जी ने ऐसे उम्मीदवार को यहाँ भेज दिया है, ईमानदार नेक इंसान को, जिसकी छवि बहुत अच्छी है, और जो ये ठगबंधन और फलाना बंधन तो चल रहे हैं उनका यहाँ कोई असर नहीं है। हाजी अयूब जी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं, और हम 10 बजे जो है मार्च 10 तारीख को 10 बजे हम विजयी हो जाएंगे, और माननीय बहन जी को पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने में सफल रहेंगे। दलित मुस्लिमों का क्या रुझान दिखाई दे रहा है प्रत्याशी की तरफ? दलित मुस्लिमों का रुझान बहुत अच्छा है, बहुजन समाज पार्टी के, दलित समाज के, सभी बहुजन समाज के जितने भी सदस्य हैं सब ने मन बना रखा है, और मन बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी को पांचवी बार सत्ता में लाने का। और रही मुस्लिम समाज की बात,
जैसे ही पता चला मुरादनगर की जनता को कि हाजी अयूब इदरीसी जी को जब से प्रत्याशी बनाया है तो मुस्लिम समाज में भी एक लहर जाग उठी है, क्योंकि यहाँ किसी ने भी मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया है। गाजियाबाद ज़िले में 5 सीट है, किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समाज प्रत्याशी को नहीं उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिम प्रत्याशी को। Right now and press the bell icon. Never miss an update.